আজি এই কেইদিনমানৰ আগত আমাৰ হিমন্ত টপাটোৱে আহি পেলাই কৈছে নিউজত, মানে নিউজ লাইভৰ এটা শ্ব'ত কৈছে, আমি বোলে এতিয়া NRCত গুৰুত্ব দিব লাগে, আৰু NRCত গুৰুত্ব দি থাকিম আমি, আৰু সিহঁতি মনে মনে ইফালে বাংলাদেশী ভৰাই থাকিব, আমি মূৰ্খ, আমাক টুপি পিন্ধাবলৈ আহিছ। জুবিন দাই ঠিকেই কৈছে। নমস্কাৰ দোস্তো, आसाम में रहने वाले 16 साल के लड़के ने एक वीडियो बनाया था YouTube पे कुछ दिन पहले। उस वीडियो को बनाने के बाद पुलिस ने इसे दो बार डिटेन कर लिया और सेक्शन 500 और सेक्शन 505 जो कि डिफेमेशन के सेक्शंस हैं उन पर बुक कर लिया। पुलिस ने इसे इसलिए डिटेन किया क्योंकि इसने हिम्मत रखी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की। इसने वीडियो बनाया था सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पर। इसमें वीडियो में थोड़ी लैंग्वेज जो इस्तेमाल की गई थी, जैसे घर में हम बात करते हैं उस तरह की भाषा यूज करी थी, कोई माँ बहन की गालियां नहीं दी थी इसने वीडियो में, इसने कह सकते हो ज्यादा से ज्यादा अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल किया था। तो सिर्फ अपने हक के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, जो जुमले हैं सरकार के वो लोगों को बताने के लिए, सरकार ने इसको ऐसे डराया धमकाया पुलिस का इस्तेमाल करके, अपनी पपेट पुलिस का इस्तेमाल करके। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि सरकार ऐसे सच को दबाने की कोशिश करती है। जो डेमोक्रेसी में फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है उसको दबाने की कोशिश की जाती है और सरकार अपने आप को कोई डिक्टेटर समझती है। सरकार जितना सच को दबाने की कोशिश करेगी सच उतना ही ऊपर उठेगा। इन लोगों ने मेरे खिलाफ भी कोशिश करी थी जब वो पुलिस कंप्लेंट फाइल करी थी, और दोस्तों इस लड़के को इतना डराया धमकाया कि इसने अपना ये YouTube चैनल अब डिलीट कर दिया है। लेकिन इसकी आवाज को हम दबने नहीं देंगे दोस्तों। जिस इशू पे इसने वीडियो बनाया था सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, उसी इशू पे अब मैं ये वीडियो बनाना चाहूंगा और आप तक सच पहुंचाना चाहूंगा। दोस्तों मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को देश के कोने कोने तक पहुंचा दीजिए ताकि अब ये इशू हर हिंदुस्तानी तक पहुंचे, सबको पता लगे इसके बारे में। आइए देखते हैं। इस प्रॉब्लम को समझने के लिए आइए चलते हैं 2014 में, जब नरेंद्र मोदी जी एक भाषण दे रहे थे। जरा सुनिए क्या कह रहे थे वो इस भाषण में। बैंक के राजनीति के खाकर आप भारत माँ के सपूतों का अपमान करती हो। 16 मई के बाद ये बांग्लादेशी बिस्तरा बोरिया बांध के तैयार रखे। 16 मई के बाद ये बांग्लादेशी अपने बिस्तर बोरिया बांध के फरार हो जाएंगे। दोस्तों जो इलीगल इमिग्रेशन का इशू था, बांग्लादेश से बहुत से इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं हमारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में और स्पेसिफिकली असम में, एक बहुत ही सेंसिटिव इशू था। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इसी इशू के बेसिस पे नॉर्थ ईस्ट स्टेट ने बीजेपी को वोट दिया था और नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया था, क्योंकि आप देख सकते हैं जैसे कि इसी भाषण में ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि बांग्लादेशियों को फरार कर देंगे, ये कहना चाहते हैं कि इलीगल इमिग्रेशन पे रोक डालेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमारे प्रधानमंत्री की बाकी सब चीजों की तरह ये चीज भी एक बहुत बड़ा झुमला निकली। इलीगल इमिग्रेशन को रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया गया। इनफैक्ट ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आ रहा है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं इलीगल इमिग्रेशन को एक बहुत बड़ा बढ़ावा देता है। ये बिल दोस्तों डेफिनेशन ही बदल डालता है इलीगल इमिग्रेंट्स की, या फिर ये कह लो कहीं ना कहीं इलीगल इमिग्रेंट्स को एक आसान तरीका दे देता है लीगल सिटीजन बनने का, सिटीजनशिप देने का। अभी तक क्या होता था, किसी को भी अगर इंडियन सिटीजन बनना है बाय नेचुरलाइजेशन प्रोसेस, यानी वहां रहकर, तो 11 साल तक उन्हें कंटिन्यू स्टे करना पड़ता था कंट्री में। लेकिन अगर ये बिल पास हो जाता है तो ये 11 साल की लिमिट सिर्फ 6 साल पे गिराएगी। तो एक चीज तो ये कि जो टाइम लगता है सिटीजन बनने के लिए वो बहुत कम हो जाता है, ऑलमोस्ट हाफ में रिड्यूस हो जाता है, और दूसरी चीज ये है कि इलीगल इमिग्रेंट्स को मौका मिल जाता है सिटीजनशिप लेने का। अभी तक क्या होता था, लीगल इमिग्रेंट्स ही सिटीजन बन सकते थे, ये लेकिन इलीगल इमिग्रेंट्स को भी मौका दे देता है। तीसरी बड़ी प्रॉब्लम इस बिल में ये है दोस्तों कि ये रिलीजन के मामले में बहुत ही बायस्ड है। ये बिल बनाया गया है सिर्फ हिंदूज, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, जैन्स और पारसीज के लिए, यानी इसमें मुस्लिम्स का और एथिस्ट का कोई मेंशन ही नहीं किया गया है। इस बारे में सरकार कहती है हमने इसलिए किया है क्योंकि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो नेबरिंग कंट्रीज है हमारी, उसमें माइनॉरिटीज को बहुत डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, उनके साथ बहुत अत्याचार होता है। ये बात कहीं ना कहीं सही भी है दोस्तों, क्योंकि बांग्लादेश की आप हिंदू पॉपुलेशन देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो कम होती गई है, और वहां पे आजकल बहुत सारे हिंदूज के खिलाफ अटैक्स भी आपको सुनने को मिलते हैं, टेंपल्स पे अटैक्स देखने को मिलते हैं, हेट क्राइम्स बहुत बढ़ गए हैं बांग्लादेश में। तो सरकार इस बात में सही है कि हेट क्राइम्स हो रहे हैं तो उनको शेल्टर लेने की जरूरत है, हमने इसलिए बिल बनाया है। लेकिन सरकार यहाँ पे रिलीजियस बायस इसलिए दिखा रही है क्योंकि पाकिस्तान में एक अहमदिया मुसलमान है जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन बहुत होता है, उनको इस बिल में इंक्लूड नहीं किया गया है। तो सरकार ने ओवरऑल अच्छे से देखा नहीं है कि किस किस को यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है, किसको नहीं करना पड़ रहा है और किसके लिए बिल बनाया गया है। लेकिन इससे भी बड़ा इशू ये है दोस्तों कि असम के लोग नहीं चाहते कि किसी भी टाइप के इलीगल इमिग्रेंट्स उनकी स्टेट में है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो बस इलीगल इमिग्रेंट्स को नहीं चाहते हैं। इसके पीछे एक बहुत ही सिंपल रीजन है, क्योंकि 1948 से लेकर आज तक
जो असम की स्टेट है ये बांग्लादेश के बॉर्डर पे है, तो कोई भी बांग्लादेश में प्रॉब्लम हुई है तो इमिग्रेंट्स वहां से बहुत सारे आए हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स बहुत आए हैं, रेफ्यूजीज बहुत आए हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हो जो नए लोग आने से जो एक स्टेट की रिसोर्सेज पे दबाव पड़ता है, लोगों पे दबाव पड़ता है, वो असम ने बहुत सह लिया है, अभी और नहीं चाहते हैं। देखिए दोस्तों, चाहे आप हमारे देश में रेफ्यूजीज को रुकाने के पक्ष में हो या फिर उस चीज के अगेंस्ट हो, एक चीज से तो आप बिल्कुल एग्री करेंगे कि सिटीजनशिप इतनी आसानी से दे देना ये सही चीज नहीं है। क्योंकि मान लीजिए आपका जो पड़ोसी है उसके घर पे आग लग जाती है, तो कुछ दिन के लिए आप अपने उसे घर में रुका लेंगे, लेकिन कुछ ही दिन के लिए रुकाएंगे ना, ऐसा तो नहीं करेंगे कि परमानेंटली आप उसे अपने घर में ही रहने देंगे। जब उसका घर में आग लग गई, उस घर को वापस बन जाएगा उसका घर, तो आप वो अपने घर में वापस रहने चले जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा आप उसका घर वापस बनवाने में मदद कर देंगे या फिर एक नया घर ढूंढवाने में मदद कर देंगे। ऐसे तो नहीं करेंगे अपने ही घर में रुका लेंगे परमानेंटली उसे जिंदगी भर के लिए। तो यही सिचुएशन कहीं ना कहीं रेफ्यूजी से भी कंपेयर की जा सकती है। क्योंकि देखिए, जो बांग्लादेश में हिंदू की पॉपुलेशन है वो 1.7 करोड़ है, 1.7 करोड़ लोग। सोच सकते हो ये सारे लोग हमारे देश में रहने को आ जाए एकदम से, हमारा देश इतना सारा बर्डन कैसे सह पाएगा? ये सारे लोग हमारे देश में आ गए तो इनका रहने का क्या होगा? सरकार क्या इन्हें हाउसिंग प्रोवाइड करेगी या फिर ये स्लम्स में रहेंगे? वैसे ही इतने सारे लोग हमारे देश में स्लम्स में रहते हैं, तो ये इतनी बड़ी पॉपुलेशन और जो आएगी, इनके एजुकेशन का खर्चा कौन उठाएगा? इनके हेल्थ केयर का क्या होगा? इनकी एम्प्लॉयमेंट का क्या होगा? सरकार क्या गारंटी देती है इनको जॉब्स मिलेंगी, इनको घर मिलेंगे? सरकार ऐसी कोई गारंटी नहीं दे रही है इस बिल में। तो ज्यादा से ज्यादा जो होगा, ये लोग आएंगे और ये लोग भी स्लम्स में ही रहने लग जाएंगे, तो पॉवर्टी बढ़ेगी, ना ही इन लोगों के लिए अच्छा होगा, ना ही हमारे देश के लिए अच्छी होगी ये चीज। सरकार ने इन सब चीजों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा है, सरकार बस अपने वोट बैंक के लिए ये काम कर रही है। इन्हें लगता है वहां से इतने सारे हिंदू आएंगे तो इनके लिए एक हिंदू वोट बैंक बन जाएगा, जिन्हें कम्युनली पोलराइज करके ये वोट्स मांग सके। और सबसे ज्यादा आवाज इस बिल के खिलाफ असम में इसलिए उठाई जा रही है क्योंकि असम एक बॉर्डरिंग स्टेट है, तो सबसे ज्यादा बर्डन जो उठाना पड़ेगा वो असम को उठाना पड़ेगा। असम में 200 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस इस बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही हैं, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज इस बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही हैं, और यहां तक कि बीजेपी के कुछ मेंबर्स खुद इस बिल के खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन बीजेपी के जो टॉप के लोग हैं वो इस बिल के फेवर में हैं, जैसे कि राजनाथ सिंह हो गए या राम माधव हो गए। प्रोटेस्टर्स विद ब्लैक फ्लैग्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ गुवाहाटी शाउटिंग स्लोगन्स अगेंस्ट द बीजेपी फॉर पुशिंग द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल व्हिच इज बीइंग अपोज्ड इन असम एंड मेघालय। अमित शाह जी इज कमिंग हियर टू कलेक्ट वोट, तो टू मेक स्ट्रेटेजी टू हाउ दे कैन कलेक्ट द वोट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया, बट असमीज पीपल आर फाइटिंग, नॉर्थ ईस्टर्न पीपल इज फाइटिंग अगेंस्ट दिस बिल। असम इज इन टर्मोइल, बट अमित शाह जी इज कमिंग हियर टू जस्ट कलेक्ट द वोट। और मोदी जी और बीजेपी अकेली पार्टी नहीं है ये सब करने वाली, ये काम और पार्टीज ने भी किया हुआ है, इलीगल इमिग्रेशन को वोट बैंक की तरह यूज करना। एक और नाम जो मेरे दिमाग में आता है वो है ममता बनर्जी का। आज से कुछ साल पहले उन्होंने यही करने की ट्राई करी थी कि जो बांग्लादेश से इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं उनको सिटीजनशिप दे दी जाए। उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि एक ऐसा लॉ पास हो जाए कि 5 साल से ज्यादा जो इलीगल इमिग्रेंट्स इंडिया में रहे हैं वो एक सिटीजन बन जाए। तो इन्होंने भी ट्राई किया था अपना वोट बैंक जमाने के लिए, लेकिन अब पावर में बीजेपी है, सेंटर में बीजेपी है, तो बीजेपी एक्चुअली में ये लॉ को इंप्लीमेंट कर सकती है, ये जो बिल है इसे लॉ बना सकती है पूरे देश भर में। असम के लोग आवाज उठा रहे हैं, लेकिन ये जो लॉ पास होगा ये पूरे देश भर में पास होगा, हम सबको इससे इफेक्ट पहुंचेगा। और असम में पहली बार नहीं है कि कोई ऐसा प्रोटेस्ट किया जा रहा हो, 1979 से लेकर 1985 के बीच में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था असम में इलीगल इमिग्रेशन के खिलाफ, जो स्पेशली बांग्लादेश से आ रही है। इस 6 साल लंबे प्रोटेस्ट के बाद असम अकॉर्ड साइन किए गए थे 1985 में। इस असम अकॉर्ड में एक कट ऑफ डेट रखी गई, ये थी 25th March 1971। तो जब ये असम अकॉर्ड साइन हुआ 1985 में, तो कहा गया कि इस कट ऑफ डेट से पहले जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स आए हैं, जितने भी रेफ्यूजीज आए हैं, उन सबको सिटीजनशिप ग्रांट कर देनी चाहिए। लेकिन इस कट ऑफ डेट के बाद जितने भी आए हैं उन सबको डिपोर्ट कर देना चाहिए, उन सबको सिटीजनशिप नहीं देनी चाहिए। तो देखा जाए तो जो नया सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आ रहा है ये इस असम अकॉर्ड के पूरी तरह से अगेंस्ट जाता है, इसको पूरी तरह से कॉन्ट्रडिक्ट कर देता है। आखिर में मैं ये भी कहना चाहूंगा दोस्तों कि दूसरी तरफ हमें उन लोगों की सिचुएशन को समझना चाहिए जिनको एक्चुअली में डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, जिनकी जान को एक्चुअली में खतरा है अगर वो उन कंट्रीज में टिके रहे, तो ऐसे भी लोग हैं। लेकिन जितनी तादाद से इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं हमारे देश की ओर, उनमें से ऐसे लोग कम है, इतने ज्यादा नहीं है जितने इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं। मुझे लगता है अगर सरकार एक्चुअली में ऐसे लोगों की मदद करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है सरकार, लेकिन इनकी नीयत नहीं है,
बस ये अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स पे टिके रहना चाहते हैं, नहीं तो बहुत सारे तरीके हैं, वो प्रेशराइज कर सकते हैं बांग्लादेश के पीएम को इस पे एक्ट करने के लिए, और बहुत तरीके हैं करने के, लेकिन वो नहीं करना चाह रहे। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, जनता तक सच पहुंचाइए, और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप patreon.com/ध्रुव राठी पे डोनेट कर सकते हैं मेरे काम को सपोर्ट करने के लिए, ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस और बनाते रहूं। तो चलिए मिलेंगे हम अगले वीडियो में, धन्यवाद।